अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अपसरा चैनल बनाया है शेरी टैग के रिलेटेड, शेरी टैग, और इसमें मैं ग्राफिक्स ट्यूटोरियल और आफ्टर इफेक्ट्स की टेम्पलेट्स और विंडोज़ टिप्स एंड ट्रिक्स सॉफ्टवेयर के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा। और हो सकता है यहाँ पे मैं लेसन भी स्टार्ट कर दूँ किसी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के, फोटोशॉप हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स, इन डिज़ाइन, एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब प्रीमियर का। सो मुझे यहाँ पे सपोर्ट करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डाटा कौन सा है। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं फेसबुक एड, जो कि 3 डिफरेंट फाइल में है, PST APS AI, ये जो एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं ये दोनों उनके लिए है, और ये जो फोटोशॉप यूज़ करते हैं उनके लिए। तो सब में एक ही फाइल्स हैं, डिफरेंट है, चार फाइल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। सो मैं, फोटोशॉप मेरा ओपन है तो मैं इसको ही ऐड करूँगा, यहाँ पे ट्रैक करता हूँ। और सब टेम्पलेट्स एक जैसी होती हैं, जितनी भी मैं अपलोड करता हूँ वहाँ पे आपको ग्रुप्स मिलता है, और जस्ट आपने ड्रैग करके तस्वीर डालनी होती है या इम्पोर्ट करके डालनी होती है, एक ही ऑप्शन होता है। कलर्स का भी आपको पता होता है, कलर्स चेंज करते हैं। हाँ, आजकल आपको जो नहीं मिल रहा वो चीज़ है फ़ॉन्ट्स। सो फ़ॉन्ट्स मैंने ऑलरेडी एक तरफा ही अपलोड कर दिए थे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और ये ग्रेडेंट्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, यहाँ पे इसको भी अप्लाई करें। ऐसे मैं इसकी लुक चेंज करता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे भी ग्रेडेंट्स ओवर दे अप्लाई किया, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इसका कलर जो है वो डिफरेंट कर देता हूँ, या नहीं यही ऑप्शन ठीक रहेगा जो है, ओके ये रहा। और ऐसे ही इसके रिलेटेड आपने इसका भी कलर चेंज करना है, और यहाँ पे तो आपका लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएं, इंसर्ट योर एंसम कैंपेज प्रमोशन का तो हमारा अभी कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ये है कि प्रमोशन के रिलेटेड हम फोटो अपलोड कर सकते हैं। ये आ गया मैं फोल्डर में, और यहाँ पे मैं प्रमोशन के रिलेटेड जो है वो डाटा अपलोड करता हूँ, फोटो अपलोड करता हूँ, ये रहा। इसको मैंने ट्रैक किया यहाँ पे, और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको हाई कर देता हूँ, इसका थोड़ा लार्ज इसको कर देता हूँ, कंट्रोल एस, यहाँ पे ये होगा, और यहाँ पे जो आपने टैप करना हो उस पर उसको टैप कर सकते हैं, और इस बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करें, और ऐसा कलर पिक करें जो कि फॉन्ट आपको हाईलाइट करे, किसी जो भी आपको अच्छा लगे। और आई थिंक आप इस पर ग्रेडिएंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, सो मैं इनको कैंसिल करता हूँ। अब आ जाएं इस पे, और ये तीनों जो हैं वो एक ही टाइप की है, मैं जस्ट आपको एक का ही ट्यूटोरियल बता देता हूँ। यहाँ पे इसको ही मैं ले जाता हूँ फोटोशॉप में, ये रहा। यहाँ पे आप काफ़ी जगह पे जो हैं अपनी शेप में तस्वीरें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिस्टम आ गया, सो कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूँ। जिस शेप पे आपने तस्वीर एडजस्ट करनी हो वहाँ पे पहले उस पर क्लिक कर लें। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं तस्वीर ओपन करता हूँ कोई, इसको ही ले लेता हूँ, ड्रैग करता हूँ मैं यहाँ पे इसके ऊपर। जब मैं इसके ऊपर ड्रैग करूँगा तो ये शेप 2 के ऊपर तस्वीर जो ऊपर लेयर बनेगी वहाँ पे आ जाएगी, और जस्ट हमने राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये देखें इसमें एडजस्ट होगी, और फिर हम अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं आई थिंक यहाँ पे ऐसे। और अब मैं इस पर एडजस्ट करना चाहता हूँ शेप 8 पे, यहाँ पे आ जाएं, इस पर करना चाहता हूँ शेप 5, और अब फिर वही ऑप्शन इसको क्लिक कर रहा हूँ, किया,
पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है ऐसे। फ्रेंड्स हो आप को जो अच्छा लगे आप उसके रिलेटेड कर सकते हैं। आई होप कि ये डेटा आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।